देश के कोने कोने से पर्यटक सोलन की सुंदरता का आनंद उठाने पहुंचे हैं। सोलन की हसीन वादियों और यहां की टॉय ट्रेन ने सभी को अपना दीवाना बना लिया है। यहां आकर सभी को गर्मी से राहत मिली। आते ही बारिश ने उनका स्वागत किया, जिसे देखकर प्रत्येक पर्यटक आनंदित दिख रहे हैं। देश के कोने कोने से पर्यटक सोलन की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं। सोलन की हसीन वादियों और यहाँ की टॉय ट्रेन ने सभी को अपना दीवाना बना लिया है। यहाँ आकर सभी को गर्मी से राहत मिली है। आते ही बारिश ने उनका स्वागत किया, जिसे देखकर प्रत्येक पर्यटक आनंदित दिख रहा है। यहाँ आकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे जैसे किसी जन्नत में आ गए हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़, हरियाली मानो कालीन बनकर उनका स्वागत कर रही है। पर्यटकों ने सोलन के बारे में अपने दिल की बात बताई और कहा कि उन्होंने टॉय ट्रेन के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज उन्होंने उसकी सवारी भी की, जो देखने में भी बिल्कुल टॉय की तरह ही लगती है और हरी भरी पहाड़ियों और सुंदर नजारों के बीच से गुजरती है तो स्वर्ण की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में वे करीबन 47 डिग्री तापमान झेल रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां आए तो मौसम काफी खुशनुमा देखने को मिला और गर्मी से राहत भी मिली। उन्होंने कहा कि जो नज़ारे कालका से सोलन तक टॉय ट्रेन में देखने को मिलते हैं, वे कहीं नहीं मिलते। हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं और सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 47 सेल्सियस डिग्री ये है तापमान, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके हम फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत अच्छा है, मतलब मन की शांति हम यहाँ पा रहे हैं। यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मेन मतलब यहाँ पे कुछ भी गर्मी नहीं है और हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का तापमान इतना ऊपर है कि हमको यहाँ पे आके बहुत मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमें बहुत अलग प्रकार की ट्रेन दिखी, उसको टॉय ट्रेन कहा जाता है, उसका नाम भी हमने पहली बार ही सुना है और हम लोग पहली बार यहाँ पे हिमाचल में आए हैं। जो टॉय ट्रेन में हमें जो यहाँ की सीनरी देखने मिलती है वो हमें कहीं नहीं देखने मिलती। जो हमारा जो गुजरात से हम आते हैं तो यहाँ से एकदम हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो जो ग्रीनरी हमें देखने मिलती है वो यहाँ पे हमें दूसरे कहीं पे भी देखने नहीं मिलती। और हर साल जब हम यहाँ पे आते हैं तो बारिश होती है, तो जो बारिश हम यहाँ की देखते हैं वो हमें कहीं और देखने नहीं मिलती है। हम कोरबा छत्तीसगढ़ से आए हैं, मेरा नाम मनखुश पटेल है और यहाँ आने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।